Welcome to another episode of Metro Matters. I'm Shivani Singh. The Delhi government has decided to redesign some of the city's most congested stretches of roads to make them more navigable. हमारी कोशिश है कि दिल्ली की सड़कों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया जाए. ट्रायल बेसिस पे 9 सड़कों को हम लोग 45 किलोमीटर की ये 9 सड़कें हैं और एक साल के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा. I have with me Mr. Satyendar Jain, the PWD Minister of Delhi, to talk about the road redesign plan. Welcome to the show. So the Chief Minister announced that Delhi's roads will now be redesigned in a way that they match international standards. So what is this plan about? देखिए basic मैं आपको fundamental बता दूँ सड़कों के लिए. Developed आप हैं या नहीं है उसका दो criterias हैं. आपके footpath की चौड़ाई कितनी ज़्यादा है. जितनी ज़्यादा फुटपाथ चौड़े होंगे उतने आप डेवलप्ड हैं. और फुटपाथ की हाइट कितनी है. जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतने ही आप अनडेवलप्ड हैं. मतलब हाइट जितनी कम होगी उतने आप डेवलप्ड होंगे. हमारे शहरों में सालों से जो पूरा का पूरा स्ट्रेस है वो सिर्फ कारों पे दिया गया है. मतलब कारों को ही सब पूरा एम्फेसिस दिया गया है. जितना भी रोड स्पेस है उसका 90%, 80%, 85% वो कारों को दे दिया जाता है. जितना भी अवेलेबल स्पेस है सब कहते हैं उसको मेटल कर दो. और मतलब ऐसी भी हालात होती हैं कि पहले 3 लेन होंगी, फिर 4 हो जाएंगी, फिर 3.5 हो जाएंगी, फिर 2 हो जाएंगी और वो बॉटलनेक्स खुद ही बनते जाते हैं. मतलब ट्रैफिक जाम का एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि सड़कों की विड्थ जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा होती है. तो इनको आप इंटरनेशनली कहीं भी देखिएगा लेन विड्थ जो होगी स्टैंडर्डाइज होगी. पूरी लेन की विड्थ एक जैसी चलेगी और थ्रू आउट 10 किलोमीटर में जैसे चलेगी वो. तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले से 9 स्ट्रेचेज लिए हैं. तो उसमें सबसे पहली चीज़ देखेंगे अगर 3 लेन रोड है या 4 लेन रोड है तो 4 लेन कॉन्स्टेंटली सेम चलेंगी. उनको 4 की 5 नहीं करेंगे, 5 की 3 नहीं करेंगे. तो ट्रैफिक जाम नहीं होगा, पहली चीज़. दूसरी चीज़, जितना राइट कार वालों का है मुझे लगता है उतना ही राइट या उससे ज़्यादा राइट जो है वो पैदल चलने वालों का भी है. फुटपाथ जरूर होंगे और फुटपाथ सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं होगा, फुटपाथ चलने लायक होगा. उसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि लिफ्ट लगानी पड़े या एस्केलेटर लगाना पड़े फुटपाथ पे चढ़ने के लिए. आदमी चढ़ सके, इंसान चढ़ सके. और उसका सबसे फंडामेंटल तरीका क्या है कि आप ये देख लीजिएगा फुटपाथ के ऊपर अगर डिफरेंटली एबल व्हीलचेयर में बैठ के उसको नेविगेट कर सके इट मीन्स फुटपाथ ठीक है, अदरवाइज ख़राब है. बेसिकली इंटरमिक्सिंग स्पेस उसको ठीक से डिजाइन करेंगे और 9 डिफरेंट डिफरेंट जगह पर हम इसलिए बना रहे हैं कि दिल्ली के लोग खुद देख लें कि हाँ यार ये फ़र्क हो सकता है. तो किस तरह के रोड्स आप देख रहे हैं? 9 डिफरेंट प्लेसेस पे लिए हमने, जैसे आपने वजीरपुर डिपो से लेकर रोहिणी मेट्रो स्टेशन तक लिया है हमने. तो पूरा स्ट्रेच बहुत ही कंजस्टेड है, उसको दोबारा से डिजाइन कर रहे हैं. ऐसे हमने पटेल नगर में जो है पटेल रोड है बहुत बुरी हालत है उसकी, तो उनको लिया है. तो दिखाना चाहते छोटे छोटे इंटरवेंशन से क्या क्या ठीक चीज़ें हो सकती हैं और पूरी दुनिया में ऐसा किया जा रहा है. हम सड़कों पर क्या है कि देखो आज सड़कें ठीक से डिजाइन नहीं है तो फिर फोटोग्राफीज बनाने पड़ते हैं सड़क क्रॉस करने के लिए. जहाँ तक कोशिश हो सड़क तो एट ग्रेड ही क्रॉस होनी चाहिए ना. लोग सड़क पे चल रहे हैं, फुटपाथ पे चल रहे हैं, अब उनको फुट ओवर ब्रिज पे से या नीचे अंडरपास से जाने की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए. हाईवे की छोड़ दीजिएगा, बट हाईवे कितने होते हैं शहर के अंदर, बाकी में तो नहीं होना चाहिए. तो इसको ठीक से डिजाइन करके लोगों को एग्जाम्पल सेट करेंगे और आने वाले मतलब काम स्टार्ट हो चुका है, टेंडर हो चुके हैं सबके और आने वाले 8-9 महीने में 1 साल के अंदर सारी सड़कें तैयार हो जाएंगी. उसके बाद हम दिल्ली की जितनी भी 1260 किलोमीटर सड़कें हैं जो पीडब्ल्यूडी के पास दिल्ली सरकार के पास हैं उन सबको ठीक करेंगे. वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स ऑन दिल्ली रोड्स इज एनक्रोचमेंट्स. सो व्हाट इज द गवर्नमेंट गोइंग टू डू अबाउट रिमूविंग एनक्रोचमेंट्स? देखिए एनक्रोचमेंट में ना मुझे ऐसा लगता है कि उसको ठीक से एड्रेस करने की ज़रूरत है. एनक्रोचमेंट दो चीज़ों को कहा जाता है, वो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको कहते हैं एनक्रोचमेंट है. अब दुनिया में कहीं भी जाइएगा, किसी भी शहर में जाइएगा, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, हर जगह होते हैं. जी बिल्कुल. उसके लिए ठीक से स्पेस बना रहे हैं, वो भी हम करके दिखाएंगे कि ठीक से रोड डिजाइंड हो तो वेंडर्स के लिए जगह होती है वो ठीक है. बट ज़्यादातर एंक्रोचमेंट किसकी है, बड़े लोगों की है. और जो लोग पावरफुल हैं जिनके बारे में कोई बोलने से लोग डरते हैं उन्हीं लोगों की एंक्रोचमेंट है. आप देख सकते हैं कार के शोरूम्स हैं, शोरूम के अंदर 10 कारें हैं, सड़क के ऊपर 100 कारें खड़ी होती हैं और उनके खिलाफ कोई बोलने वाला तैयार नहीं होता. कहते नहीं उनका तो राइट है. आप देखिए डेंटिंग पेंटिंग की दुकान होगी एक 10 फीट बाई 10 फीट की और 100 गाड़ियाँ उसने सड़क पर खड़ी होगी, उसका वो राइट बन जाता है. ये भी इसका पार्ट है कि फिजिकल प्लानिंग के साथ उनको बिल्कुल गायब कर देंगे सड़क से हम. द प्रॉब्लम इज आल्सो इलीगली पार्क्ड कार्स. वो भी मैं कहता रहा हूँ कि डिजाइन इंटरवेंशन से
जगह नहीं बचेगी ना पार्क करने के लिए आपके पास, छोड़ेंगे नहीं जगह हम, कि जो आर्टेरियल रोड्स हैं जी, या तो पार्किंग स्पेस डेजिग्नेट करेंगे हम, हम ऐसा नहीं कर रहे। अब हमने क्या कर दिया है कि सड़क पे पार्किंग होनी नहीं चाहिए और फिर सारी लेन्स में पार्किंग कर देंगे, तो कुछ स्पेस अगर डेजिग्नेटेड है तो उसमें पार्क करेंगे, पर डेजिग्नेटेड स्पेस होगा, अनडेजिग्नेटेड पे आप नहीं रख पाएंगे। Another problem we see along the roads is waterlogging, and that is also because of bad masonry. So how is the government going to address this? इसको भी address कर रहे हैं। देखिए, एक तो क्या होता है कि जितना भी बारिश का पानी होता है, हम लोगों ने अपने पूरे शहर को कंक्रीट कर दिया, हर चप्पे चप्पे को कंक्रीटाइज कर दिया है, पानी को जमीन में जाने नहीं देते हम, फिर हम कहते हैं जल्दी से जल्दी इसको नदी में फेंको, तो पानी तो इकट्ठा हो गई। अब देखिएगा सड़कों में हम ऐसा कर रहे हैं, जो साइड में ड्रेन्स हैं उसके अंदर बायोसेल्स बना रहे हैं। बायोसेल क्या है कि नेचुरली पानी जमीन के अंदर जाएगा, जो उसका ओवरफ्लो होगा सिर्फ वही ड्रेन में जाएगा। तो ये भी पहली बार हम कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, ताकि पानी जितना हो सके, बारिश का पानी सारे को यमुना नदी में ना ले जाना पड़े, उसमें से कुछ पार्ट जमीन के अंदर चला जाए। जब सिर्फ हैवी ड्रेन्स हो तभी ड्रेन्स का यूज़ हो, अदरवाइज ड्रेन्स की जरूरत ही ना पड़े, इसको भी हम कर रहे हैं इसके अंदर। We build very good roads and bridges, but maintenance remains a problem. You know, once these roads and bridges, you know, they've like passed certain years, you see potholes, you see rutted pavements. Delhi ke andar jitni sadkein hain, 40,000 kilometer sadkein hain, jisme se 1260 kilometer Delhi sarkar ke paas hai. Hum achhe tarah se maintain kar rahe hain, but sadak pe chalne wale ko to pata nahi hai kiski sadak hai. To sari ki sari kehte hain ki sadak kharab hai. तो सड़कें ज़्यादातर, अब इस अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि हमारे पास तो 2-3% है, बाकी अलग अलग एजेंसीज के पास हैं, उनको भी मेंटेन करनी चाहिए। रोड डस्ट इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू दिल्ली पोल्यूशन, व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट दिस? देखिए, दो इश्यूज हैं, एक है क्लीनिंग, दूसरा जो आपने कहा कि अनपेव्ड एरिया, दिल्ली के जो सड़कें हम कर रहे हैं, दिल्ली में या तो वो लैंडस्केप्ड होगा, उसमें प्लांटेशन लगी होगी, या वो कंक्रीटाइज होगा, कच्ची मिट्टी कहीं छोड़ेंगे नहीं हम, पहला चीज़। अब जहाँ तक सफाई करने की बात है, और सफाई करने का काम एमसीडी का है। Widening of roads and building new roads is not the solution. देखिए, उनको ठीक से डिजाइन करना इज द सॉल्यूशन। आप घर तोड़ तोड़ के चोर चोड़े कर दो, उससे क्या होगा, फिर उस पर कब्जा करा दो, उससे क्या होने वाला है? अरे भाई, आपने चार लेन बनाई, आगे अचानक वो दो लेन बन जाती हैं, तो यूज क्या, वो दो लेन ही तो हुई, वो इससे बेटर है कि उसको तीन लेन स्ट्रेट बना लो ना सीधी। हमारे को ये समझने की ज़रूरत है कि अच्छा, चलो एक चीज़ बताइए, लास्ट माइल कनेक्टिविटी के बारे में सब लोग बात करते हैं कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी। मैं हाफ़ माइल कनेक्टिविटी की बात करता हूँ। हाफ माइल मीन्स 800 मीटर। अगर आपके बस स्टॉप से और आपके मेट्रो स्टेशन से 800 मीटर तक फुटपाथ मिल जाए आपको, 800 मीटर कम्फर्टेबली वॉक करने में 10 मिनट लगते हैं जी, तो दिल्ली का कितना ट्रैफिक कम हो जाएगा जी। तो फुटपाथ ज्यादा जरूरी है कि सड़क चौड़ाई बढ़ाना ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल आज सही बात है, क्योंकि we have more pedestrians than car users। देखिए, आज हमने ऐसा शहर बना दिया है जिसके अंदर सड़क पे पैदल चलना लगता है कि एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है। अगर आप सड़क पे पैदल चलेंगे और लगातार चलेंगे तो शायद आपको शहीद होने में टाइम नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि लोगों के लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए पैदल चलने वाले, सेकेंड प्रायोरिटी होनी चाहिए नॉन मोटराइज व्हीकल्स, उसके बाद होनी चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस, और उसके जगह बचे तो कारें, और अभी तक सब उल्टा है, तो वो हम सीधा करके दिखाएंगे। तो आपको लगता है एग्जिस्टिंग स्पेस को बेटर यूटिलाइज करके हम लोग ट्रैफिक मैनेज कर सकते हैं, वी डोंट नीड वाइडर रोड्स? चलो मैं बताता हूँ आपको, दिल्ली के बीच में 45 मीटर वाइड कितने सारे रोड्स हैं, 60 मीटर वाइड यानी 200 फुट चौड़ी सड़कें दुनिया के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में किसी भी बड़े शहर में नहीं मिलेगी आपको, दिल्ली के बीच में हैं, और फिर उनको वो भी जगह कम लगती है। 60 मीटर क्या मतलब होता है, 3 मीटर की एक लेन होती है, तो 20 लेन बन सकते हैं, 10 लेन इधर 10 लेन इधर, अगर सड़कों की बात करें, लेन तो 4 और 4 8 ही होती हैं, बाकी जगह कहाँ गई, जगह तो वहाँ पर है, वो जगह को मिस यूटिलाइज़ किया गया, उसको हम यूटिलाइज़ करके दिखाएंगे। थैंक यू. We are turning this show into a fortnightly, so see you after 2 weeks. Thank you.